हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन पर्सन कंपनी वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में एक छोटा सा जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का टॉपिक, जहाँ पे आप देखेंगे कि वन पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अलग होती है या फिर इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, अलग अलग हमने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ लिया है, बट अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आप अकेले कुछ काम करते हो, अकेले काम करते हो यानी कि इंडिविजुअली अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पे आप सिर्फ उसके एकमात्र ओनर हो, तो आप उसको कहते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैंने कोई छोटी सी जनरल स्टोर खोल ली, मैंने कोई छोटा सा बिजनेस चालू कर लिया, कुछ प्रोडक्शन का बिजनेस चालू कर लिया और मैं वहाँ पे अकेली ऑनर उस चीज़ की हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये नहीं है कि वही अकेला इंसान सारा काम कर रहा होगा, बल्कि उसकी जो ऑनरशिप है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में है, उसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। वहीं OPC में भी जो है ऑनरशिप एक व्यक्ति के हाथ में ही रहती है, लेकिन यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट और उसके बाद इसको एक उपाधि मिल जाती है कंपनी की और इसका नाम हो जाता है वन पर्सन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप आप कभी भी जब मन चाहे मुंह उठा करके शुरू कर सकते हो, लेकिन वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होता है, अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास ऐसा कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। आपका मन किया है, आप आज बिजनेस शुरू कर दो, आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, इश्यूज हो रहे हैं, तो कल को बंद कर दो। आज आपने बिजनेस शुरू किया है, आपका बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कल को भगवान ना करे अगर आप भगवान को प्यारे हो गए तो फिर ये बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जेठालाल गड़ा, हमारे तारक मेहता वाले जो शोज है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी ने देखा होगा। वहाँ पे जो मिस्टर जेठा है वो अपना बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसकी ऑनरशिप जो है मात्र उनके हाथ में है, उनके पास काम करने वाले व्यक्ति बहुत हैं लेकिन ऑनरशिप केवल और केवल उन्हीं के हाथ में है। और भगवान ना करे कल को अगर वो चले जाते हैं तो वो बिजनेस वहाँ पे बंद हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। उनके बाद उनके फैमिली वाले उसको कैरी ऑन ज़रूर करेंगे और वही उसके जो है सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे उस प्रोप्राइटरशिप का टर्म पीरियड वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जैसे ही प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का मालिक जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है या फिर बिजनेस करने के लायक नहीं रहता। वो जब चाहे अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, वो उनके ऊपर इच्छा है। उन्होंने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया हुआ और यदि उसको अपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लिया होता एज एन वन पर्सन कंपनी तो वहाँ पे उनकी कंपनी बन जाती और उनका नाम हो जाता गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या और वहाँ पे उनके नाम के पीछे OPC लिखा होना ज़रूरी होता। तो ये थोड़े से डिफरेंस एक बार और देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब OPC क्या होता है, आपका कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराया जाता है, कंपनीज एक्ट के तहत जो है उसको रजिस्टर कराया जाता है। कंपनीज एक्ट के तहत जब भी कुछ रजिस्ट्रेशन कराई जाती है तो आप बेसिकली उठा करके देख लीजिए, वो इसलिए कराई जाती है ताकि कंपनी बन जाए और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बने, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे उसको पूरी एक्सिस्टेंस मिले। जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी अगर रजिस्टर कराई होती है तो उनकी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी होती है, वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन की जो है उपाधि रखती हैं और आइडेंटिटी रखती हैं। वैसे वन पर्सन कंपनी में जो उसका ओनर होता है और जो बिजनेस है या कह लीजिए जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, ये दोनों एक नहीं होते बल्कि इन दोनों को अलग अलग एंटिटी के तौर पे देखा जाता है। बिजनेस को अलग तौर पे देखा जाएगा और ओनर को अलग तौर पे देखा जाएगा, तो इन दोनों में एक आप कह सकते हो लकीर होती है और इनके बीच में जो है ये दो लोग दो चीज़ों की तरह ही देखे जाते हैं। वहीं पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रखती। अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई होगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई है, तो जेठालाल का गला ही पकड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप इसके ऑनर हो, तो मतलब आप ही हो, ये बिजनेस यानी आप और आप यानी ये बिजनेस। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, दो जिसमें एक जान वाली बात होती है। वन पर्सन कंपनी में लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। कंपनी आखिर आपने क्यों बनाई है, इसीलिए कि उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी हो, उसका लेना हो और उसका देना हो, मेरे ऊपर बात ना आए, तो इसीलिए वन पर्सन कंपनी में जो है एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी आपका जितना शेयर होगा, जैसे सपोज वन पर्सन कंपनी मैंने रजिस्टर कराई है, मैं उसकी वन एंड ओनली ओनर हूँ, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे
मेरी जो लायबिलिटी होगी वो मेरी लिमिटेड होगी। कंपनी में अगर कुछ लेट सपोज बहुत बड़ा नुकसान होता है तो मेरे पर्सनल एसेट्स जो है वो नहीं बेचे जाएंगे, बल्कि मेरा जितना शेयर उस कंपनी में होगा उतना ही मैं उसको भुगतान करूँगी, उससे ज़्यादा मैं उसमें कुछ नहीं रखूँगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में अगर लॉस हो जाएगा तो जेठालाल का घर, उसके कपड़े, उसके नए नए शर्ट्स, उसके रंग बिरंगे शर्ट्स और उसका मतलब उसके पर्सनली जो भी एसेट्स होंगी वो सब बिक जाएंगी। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि बिजनेस में अगर कुछ लॉस हुआ है तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जब तक आपको ऊपर से नीचे तक पूरा खाली नहीं कर देगा तब तक जो है आप ही चुकाते रहोगे, आपसे जो है खींच लिया जाएगा पैसा। परपैक्चुअल सक्सेशन। परपैक्चुअल सक्सेशन मतलब कि आप निकल गए तो आपके बाद जो भी उस कंपनी में और नॉमिनी के तौर पे आपने रजिस्टर कराया होगा। देखो, जब भी आप 1% कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस टाइम पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आप एक नॉमिनी का नाम ऐड करते हो, कि कल को अगर एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, जैसे आजकल छींक आते आते लोग मर जा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी हादसा होता है कि आप अगर नहीं रहे तो आपके बाद उस कंपनी को कौन संभालेगा, कौन उसका इंडिविजुअल ओनर बन जाएगा, वो आपका उस नॉमिनी का जो भी आप नाम लिखोगे वो पर्सन बन जाएगा। और ये आप जो है बाद में चेंज भी करा सकते हो अपने रहते हुए। सो इसी वजह से जो है ये कंपनी की परपैक्चुअल जो है सक्सेशन होती है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलता रहता है। वहीं पे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हमने कहा, अगर जो है ऑनर चला गया, उसके साथ कुछ इश्यू हो गया, यानी वो अब नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो बिजनेस का परपैक्चुअल सक्सेशन यहाँ पे नहीं होता। लोन नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर। अगर 1% कंपनी ने लोन लिया है, यानी कंपनी अगर लोन ले रही है तो वो उस ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे अगर 1% कंपनी ने लोन लिया, कल को वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जो है प्रोप्राइटर का गला नहीं पकड़ोगे, बल्कि आप जो है सिर्फ कंपनी से ही पेमेंट लोगे। लोन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर, यानी यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर लोन जेठालाल ने लिया है या उसकी कंपनी ने लिया है, उसके प्रोप्राइटरशिप जो है उसने लिया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने लिया है, तो उस सिचुएशन में जेठालाल का गला पकड़ा जाएगा, वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना जो है आपका नाम, आप जो है अपने आप को 1% कंपनी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि मैं 1% कंपनी हूँ, मैं हूँ, नहीं, आपके पास उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको जो है एज अ 1% कंपनी रजिस्टर कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। वहीं 1% कंपनी की बात करें तो फाइनेंस क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द ओपीसी एंड फाइनेंस क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द ओनर। यहाँ पे जो आपके फाइनेंस और क्रेडिट के रिपोर्ट होते हैं वो 1% कंपनी, कंपनी ने क्या लिया है, कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी ने कहाँ से क्रेडिट लिया है, कहाँ से फाइनेंस लिया है, उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और यहाँ पे ओनर ने कहाँ से फाइनेंस लिया है, कहाँ का क्रेडिट लिया है, वो सब रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। मोर थिंग, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जो है कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जब आप 1% कंपनी में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हो तो जो भी आपका नाम रखा गया है उसके पीछे ओपीसी लगा करके ये शो करना ज़रूरी होता है दैट दिस इज़ अ ओपीसी, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक ओपीसी है। जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है और पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड लिखा जाता है, वैसे ही 1% कंपनी में आपका ओपीसी नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, गली के बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। सो आई होप आपको जो है टॉपिक समझ में आया हो। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।